तो अभी तक हमने जितने भी कंसेप्ट्स पढ़े हैं उन पर बेस्ड एक कंसेप्ट टेस्ट है। इसमें हमें कुछ इनइक्वलिटीज गिवन है, यानी कि हमें सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटीज दे रखा है और हमें इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। अब आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। सो प्लीज पॉज द वीडियो हेयर एंड टेक 5 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इनइक्वलिटी है 4x + 3y इज लेस देन और इक्वल टू 60। हम इसे सबसे पहले इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे, देन वी गेट 4x + 3y इज इक्वल टू 60। अब हम इस लाइन को xy प्लेन में ड्रॉ करने के लिए हम x एंड y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो जब x की वैल्यू 0 होगी देन वी गेट y इज इक्वल टू 20, एंड वेन y इज इक्वल टू 0 देन वी गेट x इज इक्वल टू 15। यानी कि हमें दो पॉइंट्स मिले हैं 0,20 एंड 15,0, एंड ये लाइन इन दोनों ही पॉइंट से पास होगी। अब इसके सॉल्यूशन को देखने के लिए कि वह कौन से हाफ प्लेन में होगा, हम ओरिजिन को चेक करते हैं। तो जब हम ओरिजिन को चेक करेंगे देन वी गेट 0 इज लेस देन और इक्वल टू 60, विच इज ट्रू, यानी कि ये पार्ट हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। सेकेंड इनइक्वलिटी है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x। तो इसको जब हम इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे देन वी गेट y इज इक्वल टू 2x। अब हमें इस लाइन को xy प्लेन पर ड्रॉ करने के लिए x एंड y की करेस्पॉन्डिंग वैल्यू चाहिए। तो जब x की वैल्यू 5 होगी y की वैल्यू मिलेगी 10, एंड जब x की वैल्यू 15 होगी देन वी गेट y इज इक्वल टू 30। यानी कि पॉइंट्स 5,10 एंड 15,30 ये दोनों ही इस लाइन पर प्रेजेंट होंगे। तो ये लाइन कुछ इस तरह की होगी। यहां हम देख सकते हैं कि यह लाइन भी ओरिजिन 0,0 से पास होती है। इसका मतलब हम इसमें 0,0 सेटिस्फाई नहीं कराएंगे। उसके लिए हम इस लाइन के किसी भी एक हाफ में एक रैंडम पॉइंट लेंगे, माना वह पॉइंट है 5,15। अब जब हम इस इनइक्वलिटी में पॉइंट 5,15 पुट करेंगे देन वी गेट 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, विच इज ट्रू। यानी कि इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन वह हाफ प्लेन होगा जिसमें पॉइंट 5,15 प्रेजेंट होगा। तो इसका सॉल्यूशन यह पार्ट हो जाएगा। अब हम यदि थर्ड इनइक्वलिटी को देखें तो वह है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। जब हम इसे इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें यह लाइन मिलेगी x इज इक्वल टू 3। अब इसका सॉल्यूशन कौन सा हाफ प्लेन होगा, इसको चेक करने के लिए हम वापस से ओरिजिन इसमें चेक करेंगे। तो हमें मिलेगा 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, एंड इट इज फॉल्स। दैट मींस हमारा सॉल्यूशन यह पार्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में यह भी गिवन है कि x एंड y दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए, एंड x एंड y दोनों ही पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। इसका मतलब जो अभी तक हमने 3 इनइक्वलिटीज सॉल्व की हैं उनका जो भी कॉमन पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा वही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा, एंड यह येलो पार्ट हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। अब मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि हम सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटीज को ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस टॉपिक की समरी कुछ इस प्रकार है कि हमने इसमें यह सीखा कि हम सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज को ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम उसके लिए सभी इनइक्वलिटीज का अलग अलग सॉल्यूशन देखते हैं, एंड फिर फाइनली हम उसका कॉमन पार्ट चूज करते हैं जो कि हमारा डिजायर्ड आंसर होता है। अब आपको ये सभी रेफरेंस क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं।